जय हिंद स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग बेहतर हैं। और चलते हैं हम लोग यूनिट 9 के दूसरे वीडियो पर, और ये है सेशन 2 का। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए पॉसिबल है कि हम इसे दो भागों में बांट दें। तो दोनों भाग को आप लोग देख लेंगे, उसका नाम जैसे इसे पहले वाले जो वीडियो का नाम जो रखा गया यूनिट 9.1 यानी सेशन 1, और इसका 9.2.1 भी रखा जा सकता है, या फिर अगर समय रहा, अगर टाइमली कवर हो गया तो एक ही रहेगा। तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। और प्रतिक्रिया जो एक्सपेक्टेड था मेरा, वो मिल नहीं रहा आप लोगों की तरफ से। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको देखें और नॉलेज लें, क्योंकि ये लास्ट टाइम में है और यही आपका पढ़ा हुआ आगे भी काम देगा। और पॉसिबल है कि जो भी क्वेश्चन आंसर है आने वाले समय में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर है, जो डाउट टाइप का क्वेश्चन होगा मेरे पास आता है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, और उस पर भी एक वीडियो बनेगा एक दिन। एग्ज़ाम से पहले आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। गेस के लिए भी कोर्सेस रहेगा मेरा, जो गेस क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़्यादा समय, मैं आप लोग का समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, और इसमें अब आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अदर यूट्यूबर्स की तरह मैं भी यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, और आपको कैसा लगा वीडियो, समझे नहीं समझे, इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, हेल्प करें लोगों की, ठीक है, जैसे मैं आपकी कर रहा हूँ। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। सेशन 2, अंडरस्टैंड नेटवर्क फंडामेंटल्स, यानी नेटवर्क के बेसिक्स को हमें समझना है इस चैप्टर के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि नेटवर्क को समझना पड़ेगा कि नेटवर्क होता क्या है। ऑलरेडी आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क, नेट का मतलब क्या होता है, जाल। तो यहाँ तो आप क्या देख रहे हैं कि आपस में जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसको नेट नाम दिया गया। और इसी नेट पर हम लोग वर्क करते हैं, वर्क होता है हम लोगों का, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नेट प्लस वर्क एंड इज कॉल्ड नेटवर्क, ठीक है। यानी जब हम लोग ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क, तो कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशंस, ठीक है। और हम लोग इंटरनेट को भी सेम ही चीज़ बोलेंगे, इंटरनेट, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर का समूह होता है। एंड पेरीफेरल डिवाइसेस, ये पेरीफेरल डिवाइसेस देखिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता है ये पेरीफेरल डिवाइसेस क्या है, ठीक है। पेरीफेरल तो पेरा खिला के अगर फेरा लगता है तो वही है तुम्हारा पेरीफेरल, ऐसा नहीं है। पेरीफेरल क्या है, तो वैसे डिवाइसेस जो कि हम आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, यानी कंप्यूटर से बाहर, कंप्यूटर के बाहर से जो भी डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस कहा जाता है, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, स्टोरेज हो, मतलब नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर कि द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड आउटसाइड द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस। अब ये क्या देख रहे हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर पेरीफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू डेटा कम्युनिकेशन चैनल्स। ये कम्युनिकेशन चैनल क्या है, डेटा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब हुआ कि माध्यम, ठीक है, वैसा माध्यम जिसके थ्रू हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। तो माध्यम दो है, मैं अभी आगे बताऊंगा उसको, मैं बता ही देता हूं, दो माध्यम है डेटा के ट्रांसफ़र करने का, एक है वायर्ड, दूसरा है वायरलेस। ट्रांसमिशन दो तरह के हैं, वायर ट्रांसमिशन और वायरलेस ट्रांसमिशन। तो वही यहाँ बोला गया है, थ्रू डेटा कम्युनिकेशन चैनल वाइड नेटवर्क, वाइड ट्रांसमिशन यानी वाइड जो आपका हो गया चैनल, वो हो गया वाइड चैनल में तार के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन होता है, और वायरलेस में बिना तार के होता है। दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। और नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, ये सबको शेयर करते हैं। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है। और मैं एक और बात बता देता हूँ आपसे, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, अगर घुमा के पूछा तो, इसको अगर घुमा के पूछेगा तो क्या पूछेगा, विच इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क,
ठीक है, तो हम लोग इंटरनेट बोलेंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ WAN, वायरलेस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क सबसे, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो इंटरनेट इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इंटरनेट क्या होता है, तो नेट तो समझ गए, नेटवर्क, नेटवर्क में से नेट निकाल लिया गया, और इंटर, इंटर का मतलब होता है आपस में, ठीक है, यानी आपस में कनेक्टेड। इसलिए देखिए यहाँ दिया हुआ है, इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं, एक नेटवर्क यहाँ है, फिर एक नेटवर्क यहाँ है, एक नेटवर्क यहाँ है, एक नेटवर्क यहाँ है, तो जितने भी नेटवर्क्स हैं वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड यानी आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाता है इंटरनेट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट। आगे होगी समझ में, इट यूजेज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, और ये क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP का यूज करता है, किसके लिए, टू सर्व द बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, यानी दुनिया के हर एक यूजर्स तक डेटा को पहुंचाने में ये प्रोटोकॉल यूज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल बस सिंपली जो आप एक्चुअली इंग्लिश मीनिंग होता है उसका, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा क्या कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, एस जयशंकर को रिसीव करने के लिए पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ा। प्रोटोकॉल मतलब क्या, नियम कानून, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि कुछ स्पेशल रूल जो होता है उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड रूल, ठीक है। तो एक क्या है, कंप्यूटर का भी अपना अपना रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, यानी प्रोग्राम है उसका, एक अलग तरह का प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ कंडीशन डाले होते हैं और भी बहुत तरह का चीज़ें हैं, तो वो TCP/IP कहलाता है। TCP का फुल फॉर्म आई थिंक आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का होता है फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप लोग बोलते हैं ना IP एड्रेस, वही है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP, ठीक है। तो TCP/IP हो गया याद, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल, टू सर्व द बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड, और ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में बिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व करता है, कौन, इंटरनेट। इसमें हर, देखते हो ना, पूरे वर्ल्ड का कोना कोना का लोग इसको यूज करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी क्या है, ये नेटवर्क का नेटवर्क है, ठीक है, मीन्स दादाजी, इंटरनेट क्या है, दादाजी है, और नेटवर्क क्या है, पिताजी है कंप्यूटर का, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, पप्पा का पप्पा इज कॉल्ड दादाजी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट, डेट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। और इसमें क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही नेटवर्क, नहीं, बहुत सारा नेटवर्क, चाहे वो पब्लिक हो, कोई गवर्नमेंट का हो, एकेडमिक हो, बिजनेस हो, सारा का सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कहाँ पे, इंटरनेट पे। जैसे आप लोग कोई सरकारी वेबसाइट भी यूज कर लेते हैं घर बैठे, किसी बैंक का यूज कर लेते हैं, कोई लोकल आदमी अपना पोर्टल बना के रखता है, ब्लॉग बना के रखता है, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब क्या है, नेटवर्क का कलेक्शन है इंटरनेट। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ए सेट ऑफ रूल्स यूज फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल क्या है, तो सेट ऑफ रूल्स है जो कि कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, और इसका दो एग्जाम्पल पूछेगा आपको, तो TCP और IP हम लोग बताएंगे। अब आइए देखते हैं, Nowadays, इंटरनेट इज वाइडली यूज बाई स्टूडेंट, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी के समय में क्या हो रहा है, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, इंटरनेट का जो यूज़ है अभी के समय में भरपूर हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और इतना हो रहा है कि लोग लगे ही रहते हैं सारा दिन, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड डू मैनी मोर थिंग। क्यों, तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर बहुत तरह का चीज़ करने के लिए, तुम लोग रील्स देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ठीक है, और जो साइंटिस्ट हैं उसका क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, आप लोग और क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अभी ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज करके ही कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग ए मेजर सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर जनरल पब्लिक, और ये अभी क्या हो गया है, अभी के समय में ये इंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा जरिया बन गया है आम पब्लिक के लिए। देखते हो ना, रिक्शा वाला को पैसेंजर नहीं रहता है तो बेचारा वो क्या करेगा, सीट पर खुद बैठेगा, पैर को रखेगा सीट पे, आराम से पलट के YouTube देखते रहेगा, रील्स देखते रहेगा, वो सब भी आजकल रील्स बनाता है, ठीक है। आप देखिए, बाय यूजिंग इंटरनेट पीपल कैन मेंटेन कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स, इंटरनेट के होने से लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड रिलेटिव्स हु लिव अक्रॉस डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री वाया चैटिंग सिस्टम एंड ईमेल सिस्टम, और अब क्या कर सकते हैं,
फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो उनसे चैट कर सकते हैं, ईमेल सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात यह है कि योर अनुराग जो फेसबुक पेज है, योर अनुराग फेसबुक पेज बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको लाइक कर सकते हैं। और योर अनुराग आईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योर अनुराग मेरा इंटरटेनमेंट चैनल है, आप लोग चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं। उस पर आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिलेंगे और कुछ इंटरटेनमेंट का मिल जाएगा आपको, लेकिन उस ढंग का उस पर बहुत दिन से मैं कंटेंट डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन अब उस पर कंटेंट बहुत सारा आएगा और ख़ास करके फ़नी कंटेंट ज़्यादा आ सकता है उस पर, तो उस पर भी ज़रूर जाइएगा। और फेसबुक पेज है योर अनुराग का, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं। सोच द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट इन विच ए बैकबोन नेटवर्क इज ए सेंट्रल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इमेज 9.12, इसमें हम देख रहे हैं इंटरनेट का स्ट्रक्चर, इन विच ए बैकबोन नेटवर्क इज सेंट्रल स्ट्रक्चर। ये जो देख रहे हैं ये बैकबोन नेटवर्क है। रीड की हड्डी, बैकबोन मतलब क्या है, रीड की हड्डी, रीड की हड्डी मतलब हुआ कि एक मेजर नेटवर्क, मेन नेटवर्क, जो कि बाकी के छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कितने नेटवर्क को जोड़ रहा है, तीन, 1, 2 और 3, तीनों तीन टोपोलॉजी में है। टोपोलॉजी नया टर्म, आगे बताएंगे, चलिए देखते हैं। तो कनेक्टिंग वन और मोर नेटवर्क जस्ट लाइक ए स्पाइनल कोड ऑफ ह्यूमन बींग। हम लोग का देख रहे हैं, हम लोग का जो बॉडी का पूरा वायरिंग है स्पाइनल कोड से ही होके जाता है, ब्रेन से लेके पूरा लेग तक का। वो हम लोग का जैसे घर में वायरिंग वाला पाइप होता है ना, सेम टू सेम समझ लो स्पाइनल कोड हम लोग का वायरिंग वाला पाइप है, ठीक है। और वो हमारा जो वायरिंग का पाइप है, हमारा जो स्पाइनल कोड है, हमारे बॉडी के हर एक हिस्से को वो जोड़ के रखता है आपस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यस, स्पाइनल कोड ऑफ ह्यूमन बीइंग, द इंफॉर्मेशन और फाइल टू बी सेंड टू अनदर कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। देखिए, पैकेट्स क्या है, ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पैकेट्स किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन देके भी पूछ सकता है, और या फिर दो नंबर के क्वेश्चन में, सॉरी एक नंबर के क्वेश्चन में, दो नंबर के क्वेश्चन में, यानी वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आंसर इन वन वर्ड में कि पैकेट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैकेट को समझिए कि अगर मैं आपको एक क्विंटल, वन क्विंटल मतलब 100 kg का एक आटा का बोरी दे दूँ और इसको बोलूं कि इसको सर पे रखो और 2 किलोमीटर उसको, या 2 किलोमीटर छोड़ो 500 मीटर तक ले जा, क्या पॉसिबल होगा ले जाना तुमसे? पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। एक अकेला, हाँ, ये आप कहोगे कि सर जो लेबर सब वो ढो लेते हैं तो उन लोग की प्रैक्टिस है, आपसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का उम्र भी तो कम है, स्ट्रेंथ भी तो कम है। चलिए छोड़िए, तो क्या होगा, क्या देखते हैं कि वो आप उसको कैरी नहीं कर सकते। तो कैरी कैसे कर सकते हैं, कोई उपाय? जी, एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। उपाय है, उस बोरे को हम लोग क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट लेंगे, छोटे छोटे झोले में रख लेंगे, ठीक है। अब मान लो कि एक झोले में 10 किलो अगर गेहूं आया, गेहूं का आटा आता है, अगर आटा आता है एक झोले में 10 किलो, तो 10 झोले में करके हम चाहें तो बारी बारी से एक बार में 2 झोला करके ले जाएँ तो 5 बार में उसको हम पहुँचा सकते हैं। तो क्या आपका सामान चला गया ना? तो सेम टू सेम क्या है कि जो जब भी कोई हम लोग डाटा का ट्रांसमिशन करते हैं तो एक बार में डाटा का पूरा वो नहीं पहुंच सकता आपके पास, यानी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो हम लोग करते हैं तो वो एक बार में नहीं आ सकता। आपने कभी देखा है कि आपने डाउनलोड किया और एक बार में डाउनलोड हुआ? नहीं, ठीक है। अब तो मान लीजिए 5G बहुत लोग यूज़ आप लोग कर रहे हैं, तो 5G यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल डेटा है तो पता भी नहीं चलता, एक बार राउंड किया डाउनलोड हो गया। लेकिन वही अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, या फिर आपको अगर याद होगा 2G 3G 4G, तो आपने क्या देखा होगा कि टोटल डेटा कितना, तो 15 MB डाउनलोड, और उसमें क्या दिखाता था, 1.5 MB डाउनलोड हो चुका है, 2.5 MB डाउनलोड हो चुका है। तो यानी वो धीरे धीरे डाउनलोड होता है, टुकड़ों में डाउनलोड होता है, एक बार तो उतना डेटा आएगा नहीं। तो कंप्यूटर होशियार है ना, वो क्या करता है, जो आपका प्रोटोकॉल है TCP/IP, वो उसको टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, ठीक है। तो उसको पैकेट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है डेटा को, वही कहलाता है पैकेट्स, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, द इंफॉर्मेशन और फाइल टू बी सेंड टू अनदर कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। ईच पैकेट इज असाइंड विद ए नंबर टू आइडेंटिफाई द रिसिपिएंट कंप्यूटर। अब क्या कहोगे, सर चलिए भाई पैकेट में तो तोड़ दिया, टुकड़ों में बांट दिया,
और लेकिन जब इतना वर्ल्ड है, इतना बड़ा दुनिया है, और पता चलेगा क्या कि हम हरीश को भेज रहे हैं, हरीश के बदला किसलय को चला गया उससे, और या फिर उसने किसलय के बदला प्रेम को चला गया, प्रेम के बदला श्रेया को चला गया, तो इससे मतलब क्या होगा कि उसको कैसे पता चलता है कि भाई इसको हमको पहुँचना कहाँ है, सारे पैकेट को एक ही जगह कहाँ कहाँ पहुँचना है। तो हर एक पैकेट पे एक हिडन एड्रेस जो है वो प्रोग्राम के थ्रू लगा दिया जाता है, देख रहे हैं ना। पैकेट इज असाइंड विद ए नंबर टू आइडेंटिफाई द रिसिपिएंट कंप्यूटर, यानी वो उसको कहाँ पहुँचना है हर एक पैकेट को पता रहता है। जैसे हम लोग को कोई पार्सल आता है, आप लोग को कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर आपका एड्रेस लिखा रहता है ना, ताकि वो आपका एग्जैक्ट आप ही को मिले और किसी को नहीं मिले, सेम टू सेम इसके में क्या रहता है, सबका कोडिंग किया हुआ रहता है। यूजिंग दिस नंबर पैकेट्स आर सेंट टू द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन, और यही कारण है कि पैकेट्स जो है एकदम सही पते पर ही पहुंचता है। तो आई थिंक ये क्लियर है इतना दूर तक, मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे आपका आंसर दे दें। देखते हैं एक गेटवे, गेटवे क्या होता है, जैसे सुने होंगे ना गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे, गेट का मतलब द्वार और वे मतलब रास्ता, ठीक है, यानी इसमें फिर कहाँ से आया गेटवे, घर थोड़ी है, देखो घर नहीं है लेकिन डेटा का ट्रांसमिशन या डेटा का आना जाना तो लगा रहता है। तो गेटवे एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, तो ए गेटवे इज ए डिवाइस डेट कनेक्ट्स ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर नेटवर्क्स, एक हो गया सिमिलर नेटवर्क, दूसरा हो गया डिसिमिलर नेटवर्क, दो तरह के नेटवर्क होते हैं। अब जैसे इसको समझना क्या है कि एक आपका हो गया वायर्ड नेटवर्क मान लेते हैं और दूसरा हो गया वायरलेस नेटवर्क, एक हो गया अलग तरह का नेटवर्क, एक दूसरा हो गया अलग तरह का नेटवर्क। अब ये दूसरा नेटवर्क जो है वो आपस में जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा, देखते हो ना, शादी जो पहले तुम लोग का शादी जो किया जाता था, शादी जो लोगों का होता था, क्या देख के, चलो भाई सेम रिलीजन का हो, सेम कास्ट का हो, ठीक है, तो जाके हम लोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक। अब करवाने के लिए क्या, अगर बीच में करवाना है तो बीच में पंडित जी को लाना पड़ेगा, अब हुआ एक तो है ना, तो इसके लिए क्या करता है, अगर सेम नेटवर्क है तो टेंशन नहीं है, भाग के भी कर लेगा तुम लोग, लेकिन वही अगर डिसिमिलर है तो भाई मोड का जरूरत पड़ेगा। हाँ हाँ समझ रहे हैं, उसमें भी कहोगे सर उसमें भी कर लेंगे, अरे उतना टेंशन मत लो। तो सीधा समझ लो, दो ग्रुप है, दो अलग अलग टाइप का नेटवर्क है, नेटवर्क है लेकिन अलग अलग टाइप का, एक वायर्ड हो गया दूसरा वायरलेस हो गया, तो दो डिसिमिलर तरह के टाइप के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम लोग गेटवे का यूज़ करते हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है। चलिए अब देखते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी नेटवर्क कितने तरह से बनाए जाते हैं, नेटवर्क कितने तरह के होते हैं, कितने तरह से इसको हम लोग देख पाते हैं कि इतने तरह का नेटवर्क हम लोग बनाते हैं, डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन नेटवर्क का डिज़ाइन, यानी इतने तरह का नेटवर्क इस तरह से बना सकते हैं। तो दो तरह से नेटवर्क को बनाया जा सकता है, तरीका, यस तरीका, दो तरीके से नेटवर्क को हम लोग बना जा सकता है, एक हो गया पी टू पी यानी पीयर टू पीयर, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ऊपर वाला तो आपने, मुझे नहीं लगता है कि सुना भी होगा, नीचे वाला सुना होगा, नीचे वाले में भी सर्वर ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है, और यही गड़बड़ होता है, सर्वर में ही गड़बड़ है, वो आगे बताएंगे आपको। पीयर टू पीयर में देखते हैं, पी टू पी में इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ऑल द कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस और पोजिशन, ठीक है, यानी इसमें इस तरीके में क्या होता है, जितना भी कंप्यूटर है ना सब अपने में बॉस होता है, कोई किसी से कम नहीं है। जैसे तुम्हारे क्लास में ही क्या कि भाई वो समझता हम ही बॉस है, वो समझता हम ही बॉस है, तो यहाँ भी जो है सारा कंप्यूटर क्या है, आपस में बॉस है, सब कहता है हम बॉस है, वो कहता है हम बॉस है, यानी सबका क्या है, इक्वल स्टेटस और पोजीशन है, किसी का वैल्यू कम नहीं है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर्स आर रिस्पांसिबल फॉर एक्सचेंजिंग रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन अनदर, इसमें क्या है कि सब एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान कर सकता है, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। अब जैसे रिसेस टाइम, एज लाइक समझ लो रिसेस टाइम तुम लोग का बेस्ट एग्जांपल है कि जब रिसेस टाइम रहता है कोई नहीं रहते हैं, या फिर बताएं मैथ का होमवर्क, ये तुम लोग को सबसे अच्छा पीयर टू पीयर नेटवर्क बताता है क्या, तो किसी को क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किसी को 2 आता है, किसी को 3 आता है, लेकिन भाई हमको पूरा यूनिट दे दिए हैं सर बनाने के लिए, देखो आज पूरा का पूरा बना के लाना, वरना तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो क्या करेगा, कोई 1 बनाएगा, कोई 2 बनाएगा, कोई 3 बनाएगा, यहाँ क्या है सबका बराबर वैल्यू है, क्यों, अगर कोई एक नंबर 4 क्वेश्चन बना के नहीं देगा
तब तो फिर मार पड़ेगी, डांट लगेगी आपको। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे सब बॉस है, सबका वैल्यू बढ़ा हुआ रहता है। अरे बताना भाई, नहीं बताएंगे, ज़्यादा चुपचाप बैठ तब बताएंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ हो जाता है। तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्या है, किसी को किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता है, सब एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया पीयर टू पीयर में, ठीक। लेकिन अब बारी आ जाती है किसकी, आपके टीचर की। आई एम द बॉस नॉट यू, ठीक है। और बात भी सही है भाई, टीचर ही बॉस होते हैं। तो आगे आपके मैथ के टीचर, कंप्यूटर टीचर को भी मान सकते हो यार, थोड़ा तो बनता है, डिजर्व करते हैं हम लोग भी। क्लाइंट सर्वर में क्या है, इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम सम कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। ए कंप्यूटर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर्स कॉल्ड सर्वर एंड कंप्यूटर्स डेट यूज दिस सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाइंट। देखिए यहीं पे इस सर्वर में गड़बड़ क्या है बता रहे हैं, सर्वर में गड़बड़ क्या है बोलता है, भाई हम बॉस हैं, हम बोलेंगे सो करेगा तुम लोग, समझ गया क्या। क्लाइंट वन को जो कहेगा वो करेगा, टू को जो कहेगा वो करेगा, टू को बोलेगा अरे तुम फोर को भेजो, वन थ्री को डेटा मत भेजो, ये नहीं भेजेगा, ठीक है। तो सबको इंस्ट्रक्शन कौन देगा, ये मेन कंप्यूटर एक जो लगा रहेगा वो देगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन देगा और ये बाद बाकी का इसके हिसाब से काम करेगा। ए कंप्यूटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और ये सर्विस देगा तभी ये सब काम कर पाएगा, वरना सब काम नहीं करेगा। अगर ये गया बात खत्म, अगर सर्वर हुआ गड़बड़ सब गुरगोबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में जो मेन कंप्यूटर जो लगा रहेगा, जो दूसरों को सर्विस देगा, वो कहेगा सर्विस देने वाले को क्या कहेंगे, सर्वर। सर्विस वैसा सिस्टम जो दूसरे को सर्विस देता है वो कहलाएगा सर्वर। अब पता चल गया सर्वर नाम कहाँ से आया, कंप्यूटर हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड सर्वर, ठीक है। और इससे सेवा लेने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, व्यक्ति ने कंप्यूटर होंगे, उसको कहेंगे क्लाइंट्स। जैसे वकील से कोई लेते हैं ना, सर्विस लेते हैं दूसरे जो भी कस्टमर है, उसको क्या कहता है, क्लाइंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है। तो मुझे लगता है कि आप लोग दोनों नेटवर्क आर्किटेक्चर याद हो गया होगा, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, और दोनों में क्या होता है, दोनों में एक बार फिर से ये रिवाइज कर देते हैं। पीयर टू पीयर में हर एक कंप्यूटर स्पेशलाइज होता है, सबका इक्वल स्टेटस और पोजिशन होता है, यानी इसमें क्लाइंट सर्वर का कोई अंतर नहीं होता है, और सभी कंप्यूटर डेटा को एक्सचेंज करने में यानी सेंड और रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, सर्वर मेन कंप्यूटर होता है और यही सर्वर बाकी के कंप्यूटर को सर्विसेज देते हैं, तो जाके काम करता है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क का क्या एडवांटेज है। देखिए एक बात और, अगर आप लोग बोर होने लग गए हों, अगर बोरिंग लग रही हो, तो वीडियो को पॉज कर लें या फिर बंद कर दें और बाद में इसको देख लें आधा वीडियो, ठीक है। बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बोरिंग हो जाओगे ना तो फिर समझ नहीं पाओगे, अगर नहीं समझे तो फिर वीडियो देख के पढ़ के क्या फ़ायदा। इसलिए कभी भी बोरिंग नहीं होना है, चाहे ये IT हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बोरिंग होके पढ़ोगे फिर बात ख़त्म है, अभी याद करेंगे कल सुबह होके भूल जाएंगे। जब भी पढ़ाई करनी है फ्रेश माइंड पे करनी है, भले आप 5 लाइन ही पढ़ें लेकिन वो परमानेंट होना चाहिए, टेम्पोरारी नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का क्या एडवांटेज है, आखिर क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है जो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यूज़र कम्युनिकेशन। नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग etc. देखो कितना अच्छा इसका कम्युनिकेशन का माध्यम नेटवर्किंग दे रहा है। अभी हम आपको इतने दूर रहकर भी, आप सभी लोग भारत के सभी अलग अलग कोने में हैं, और उसके बावजूद भी मैं सबको डेटा दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन यहाँ से कर रहा हूँ, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट मैं सबसे कर रहा हूँ। तो ये किसके माध्यम से हो पा रहा है, इस नेटवर्क के वजह से हो पा रहा है, ठीक है। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, फाइल शेयरिंग। बाय यूजिंग नेटवर्किंग डेटा और इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। फाइल शेयरिंग कितना आसान है, आप देखते हैं कि यहाँ बैठे हैं और यहीं से अपना फाइल आपको हम सेंड कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक दूसरे को वीडियो भेज देते हो, फेसबुक पे वीडियो भेज देते हो, डॉक्यूमेंट भेज देते हो, ठीक है। एक इधर बैठे हो, आज मान लो कोई स्टूडेंट नहीं गया, अरे आज फलाने सब्जेक्ट में क्या होमवर्क मिला था, तो ये चीज़ मिला, अरे भाई भेजना, तो क्या करता है, फ़ोटो खींच के आपको भेज देता है। तो फाइल शेयरिंग होता है दूसरा फीचर। तीसरा क्या है इसका एडवांटेज, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। एनी डाउट, नो। मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड टीवी चैनल्स यूज नेटवर्क टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड वीडियो, इंक्लूडिंग लाइव रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स।
जितने भी कंपनी है, वो टीवी चैनल वाला हो या फिर आपका देखते हो मोबाइल में ही चैनल है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को इंटरटेन कर रहे, इंटरटेन नहीं कर रहे, पढ़ा रहे, जानकारी दे रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं हम, ठीक है। ये SST का क्वेश्चन है, बताया आप लोग बताइए कि मीडिया जो होता है, हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं, मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा कि मीडिया को SST के बुक के हिसाब से कि मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है, कम्युनिकेशन मीडिया को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से हैं, बस आपको वो लिखना है। और भाई सर्च मार के कोई नहीं लिखेगा, सीधा बात, वो मैं भी समझता हूँ, सर्च करके कोई नहीं लिखेगा, जिसको जो याद है वही लिखो, गलती लिखोगे तो क्या हुआ, गलती है तो है, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखना है, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग क्या होता है कि हम लोग, मैंने जैसे मान लो कि एक 5 कंप्यूटर का नेटवर्क हमने बना रखा है, अब पांचों लोग, अब मेरे पास पैसा उतना है नहीं, अब पांचों लोग प्रिंटर खरीदेगा तो एक प्रिंटर मान लो कि 10-10 हज़ार का ही लेते हैं, 5 कंप्यूटर पे 50 हज़ार रुपया मेरा चला जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम पांचों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देंगे और एक बस प्रिंटर लगा देंगे। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि पांचों कंप्यूटर पे एक प्रिंटर मेरा काम करेगा, यानी सीधा 40 हज़ार रुपया का मेरा बचत हो गया, सोच लो, ठीक है। तो ये हार्डवेयर शेयरिंग भी हम लोग कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज प्रिंटर, स्कैनर, PTC कैन आल्सो बी शेयर्ड। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 प्रिंटर्स, 1 प्रिंटर कैन बी परचेज्ड एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स, दस सेविंग कॉस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सेम टू सेम हम लोग क्या करते हैं, घर में वाईफाई लगवा लेते हैं ना, हार्डवेयर शेयरिंग करते हैं, वाईफाई एक लगवा लिए और एक ही उसी वाईफाई से हम लोग घर के जो भी मेंबर हैं वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये हार्डवेयर शेयरिंग भी किससे होता है, नेटवर्क की वजह से हो पा रहा है। उसके बाद है क्या, सॉफ्टवेयर शेयरिंग। जो पैसा लगा के जो सॉफ्टवेयर हम लोग खरीदते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर खरीदोगे तो पैसा लगता है उसका, ठीक है। तो कितना पैसा हम लोग, कितना पैसा लगाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि कोई एक सॉफ्टवेयर हम लोग खरीद लें और एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, सर्वर कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी सारा क्लाइंट्स को सिस्टम मिल जाएगा। यूजर्स कैन शेयर सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क वेरी इजीली, देयरफॉर लार्ज कंपनीज कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग सॉफ्टवेयर बाय नेटवर्किंग देयर कंप्यूटर। क्या करते हैं, अपने अपने नेटवर्क कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ लेते हैं और पैसा बचा लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का काम कैसे करता है इंटरनेट, और हम लोग इसका उपयोग कैसे करेंगे वह मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, टू यूज़ द इंटरनेट यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। सबसे पहले क्या, अब भोजन, तुम लोग कहोगे खाना खाना है, भूख लगा है, तो सबसे पहले भोजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। भोजन यानी वो कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल भोजन का, चावल दाल सब्जी ये सब होना घर में ज़रूरी है, नहीं तो क्या, भोजन पकेगा ही नहीं। सेम टू सेम पकाओगे क्या, खाओगे क्या, रहेगा ही नहीं। तो वही चीज़ सेम है, इंटरनेट यूज करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तभी यूज कर पाएंगे। तो इंटरनेट कनेक्शन हमको कौन देगा, तो प्राइमरी चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। जो इंटरनेट की सर्विस देते हैं उसको हम लोग इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर्स यानी ISP बोलते हैं, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में काम दे सकता है। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, हिंदी में कहते हैं इसको, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सच एज भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, बंद सेवा ना लगी, BSNL का फुल फॉर्म अभी भी यही है, पहले भी यही था, अभी भी यही है, बंद सेवा ना लगी। आप BSNL के नंबर पर लगाते रह जाइए, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा, नेटवर्क गायब होगा तो हो ही रहेगा। MTNL महानगर टेलीकॉम नगर निगम, टेलीकॉम निगम लिमिटेड। तो MTNL जो है यह भी सरकारी है, BSNL का ही उपक्रम है, लेकिन BSNL जो है वो शहरों में गांवों में तक सीमित है और MTNL जो है वो महानगरों के लिए है। भारत में कितने महानगर हैं पता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, ये टाटा इंडिकॉम पहले के समय में हुआ करता था, अभी इसका बस वही DTS का सर्विस देता है, बाद बाकी नहीं देता है, ठीक है। पहले के समय में टाटा का इंडिकॉम था, टाटा डोकोमो था, रिलायंस का स्मार्ट था, तो बंद हो गया, अब रिलायंस जियो है, ठीक है। रिलायंस का रिम, रिलायंस इंडिया मोबाइल था, यूनिनॉर था, एस्टेल था, MTS था, ठीक है, हच था,
आइडिया था, वोडाफोन था, बहुत तरह का यहाँ पे ऑपरेटर था। धीरे धीरे सब ये राजा खा गया, घोटालेबाज। टू कनेक्ट योर पीसी वाया इंटरनेट यू शुड हैव ए मोडम। अब देखो तुम्हारे पास चलो इंटरनेट कनेक्शन आ गया, अब क्या चाहिए? तो मोडम चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडम, याद है किसी को? मोडम, मोडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अटपटा लगाना कि सर कहाँ, किसी एंगल से नहीं मिलता है, मोडम नहीं मिलता है किसी एंगल से, लेकिन फुल फॉर्म उसका वही होगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मोडम का फुल फॉर्म होता है। अब ये मोडम का क्या काम है? मोडम क्या करता है कि ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है। सिग्नल को कैसे कन्वर्ट करता है? तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम मोडम ही करता है। अब जैसे कंप्यूटर आपका कौन सा सिग्नल पे काम करेगा? डिजिटल सिग्नल, डिजिटल 0 और 1, ठीक है, डिजिटल सिग्नल पे काम करेगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही कंप्यूटर से सिग्नल बाहर गया, हवा में गया, तो डिजिटल तो ऑलरेडी पहले टुकड़ा टुकड़ा में है, टूटा हुआ, ठीक है। तो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए इमेज यहीं पे मैं दिखाता हूँ आपको। डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल इमेजेस, ओह नो आई एम नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब कनेक्ट हो जाएगा तो देख लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नेटवर्क है वो थोड़ा वीक है। तो डिजिटल जो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में यहाँ पे माउस से ही ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो बार्स में होता है, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है, यानी ऐसे एक बार हो गया, ऐसे हो गया, आई आई की तरह। तो ऑलरेडी ये टूटा हुआ है, पैकेट्स में टूटा हुआ है, तो जैसे ही ये कंप्यूटर से बाहर जाएगा तो ये टूट जाएगा, तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। और जो एनालॉग सिग्नल होता है वो होता है वेवी फॉर्म में, ऐसे हवा जैसे चलता है ना, है वेव ऐसे, तो ये हवा पे आसानी से तैरता है। तो आपका जो मोडेम है वो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में, ताकि सिग्नल सही सलामत दूसरे एंड तक पहुंचे। और जब सिग्नल दूसरे एंड तक पहुंचता है फिर मोडेम क्या करता है, उसको एनालॉग को कन्वर्ट करके डिजिटल में बदल लेता है, ताकि अगला कंप्यूटर फिर उसको समझ सके। तो ये हो गया आपका डिजिटल और एनालॉग। फिर इसका ISP के बारे में मैंने बताया, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ISP कौन होते हैं? वैसे संस्थान होते हैं जो कि आपको इंटरनेट का एक्सेस देते हैं, चाहे वो तरीका कोई सा भी हो, वायर्ड हो या वायरलेस हो, ठीक है, एक वायर्ड कनेक्शन के माध्यम से और दूसरा वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से। तो दो तरह का तरीका, देयर आर मेनली टू वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट, दीज आर एज फॉलो। दो आपको तरीका है दिया गया जिसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हो गया डायलॉग कनेक्शन। ए डायलॉग कनेक्शन इज ए कनेक्शन सेटअप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP, ठीक है। डायलॉग कनेक्शन क्या होता है? आपके ISP और कंप्यूटर को जोड़ने का एक माध्यम होता है। उसके बाद क्या है? हाँ, ISP सर्वर, इट इज एस्टेब्लिश्ड यूजिंग ए मोडेम। और इसका भी एस्टेब्लिशमेंट किसके माध्यम से होगा? मोडेम के माध्यम से होगा, ठीक है। द मोडेम कनेक्ट्स कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन्स विच सर्व एज द डेटा ट्रांसफर मीडियम। अब ये क्या करता है कि टेलीफोन लाइन यानी तार वाला, जो तार वाला लैंडलाइन होता था ना, वो वाला, ठीक है, ये देखिए आ गया, ये देखिए यहाँ पे, यस, ये ज्यादा बेहतर, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल का फोटो। तो ये क्या करता है कि जैसे केबल कनेक्शन होता है ना, तो केबल से पहले तो लैंडलाइन होता था PSTN, तो उससे ये क्या करता था, मोडेम का यूज करके कन्वर्ट करके आपको दे देता था। ये देखिए, अब समझ में आ गया होगा,
डिजिटल सिग्नल पहले ही टूटा हुआ है और ये हो गया एनालॉग सिग्नल वेवी फॉर्म में। तो ये इजीली आराम से तैर के फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह में आसानी होता है। ये जैसा पहले ही टूटा हुआ है डिफर्टी इसका, अगर ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा तो बीच में ही टूट जाएगा। चलिए रहने दीजिए, कहीं काम देगा। ठीक है, अब क्या है, हाँ ये बता दिया मैंने, टेलीफोन लाइन्स को कनेक्ट करता है मॉडेम के माध्यम से, सर्व एज द डेटा ट्रांसफर मीडियम व्हेन अ यूजर इनिशिएट्स अ डायल अप कनेक्शन द मॉडेम डायल्स अ फोन नंबर ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली डिजाइन टू रिसीव डायल अप कॉल्स। यानी एक नंबर सेट होता था, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट सॉफ्टवेयर को खोल के और कनेक्ट करते थे तो एक ऑटोमेटिकली ISP को एक रिंग जाता था और रिंग जाने के बाद जो है वो कनेक्ट कर लेता था इंटरनेट। ये चीज मैं इसको मैं चला चुका हूँ इसलिए मुझे पता है। डायल-अप कनेक्शंस आर वेरी स्लो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन बेचारा का एक समस्या था, बहुत स्लो था, आलसी, ठीक है। और मोडेम क्या है, तो मोडेम मैंने बता दिया कि एक डिवाइस है जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। सो दैट सिग्नल कैन ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइंस, ओवर ट्रैवल ओवर टेलीफोन लाइंस। दिस डिवाइस आल्सो कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। तो वही मैंने बताया, डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है एज अ कन्वर्टर। तो पहला तरीका क्या हो गया, डायलअप कनेक्शन, और दूसरा क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आर मच फास्टर देन ए डायलअप कनेक्शन बिकॉज़ दीस सिग्नल्स कैरी मोर डेटा। तो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अभी जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही होता है, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में डेटा को ले जाता है। और वो जो था, जो डायलअप में था, PSTN वगैरह था, उसका एग्जांपल पब्लिक स्विच ट्रांस टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम मॉड्यूल, इस तरीके से था। देखिए बता ही देते हैं, गलत नहीं बताएंगे। देखिए PSTN जो पहले लैंडलाइन वाला फोन होता था ना, उसके माध्यम से मिलता था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यस PSTN का फुल फॉर्म होता है, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्लो होता था, लेकिन ब्रॉडबैंड क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। द स्पीड ऑफ ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज मेजर्ड इन MBPS, और ये स्पीड किस में देता है, MBPS, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप, लेकिन लो इसमें भी चक्कर, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी तीन टाइप का, कौन कौन, सबसे पहला केबल मोडम, अभी भी देखते होंगे कि तार खींच के लाया तुम्हारे घर में लगा दिया, इज ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन डेट यूजेज द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज फास्ट बट नॉट अवेलेबल इन ऑल एरियाज, ठीक है। तो जिस एरिया में टेलीफोन एक्सचेंज है बस उसी एरिया में ये सीमित है, केबल मोडम। ये फास्ट तो अच्छा होता है, बहुत मस्त काम करता है, ठीक है, जैसे टीवी का केबल का लाइन देता है ना, टीवी केबल का लाइन, उसी तरीके से यह भी देता है केबल मॉडेम। तो फास्ट तो बहुत होता है, लेकिन यही है कि बस सीमित दायरे में ही सीमित होता है। यानी मान लो ना कि अगर छोटा मोटा शहर है तो एक छोटा टाउन या शहर भर में ही रहेगा। ब्रॉडबैंड इज टर्म शॉर्ट टर्म फॉर ब्रॉड बैंडविथ। अब देखिए ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रॉड बैंडविथ, इसको याद कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म, ब्रॉड बैंडविथ नहीं भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है यूजुअली, लेकिन आप लोग याद रख लीजिए। बैंडविथ रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा डेट ए सिग्नल कैन कैरी। बैंडविथ किसको कहते हैं, जैसे अभी सुनते होंगे 4G बैंड, 5G बैंड, तो बैंडविथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेटा ए सिग्नल कैन कैरी। देखते हो ना 5G बैंड क्या, 5G फिफ्थ जनरेशन बहुत ज़्यादा डेटा कैरी करता है, इसीलिए तो देखते हो इतना ज़्यादा स्पीड है। 4G बैंड इससे थोड़ा कम जो है वो डेटा कैरी करता है। तो ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म ब्रॉड बैंडविथ, ब्रॉड मतलब चौला, ज़्यादा। अब एक हो गया आपका केबल मॉडेम, दूसरा देखिए DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बस इतना ही बताएंगे आपको, ये यहाँ तक स्विचिंग दूसरे दिन से बताएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बताएंगे, जो तीनों बचा गया है दोनों ये बताएंगे। तो DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यूजेस योर एग्जिस्टिंग फोन लाइन। तो DSL में क्या होता है, जो घर में ऑलरेडी फोन लाइन लगाया हुआ है उसी का यूज करके इंटरनेट चला सकते हैं, हाँ चला सकते हैं, आप लोग को लेना पड़े, बोलना पड़ेगा ऑपरेटर को, चला देगा।
द डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर वायर्स फॉर ए लोकल टेलीफोन लाइन. जैसे लोकल टेलीफोन लाइन लगा हुआ है ना, उसका यूज करके हम लोग इंटरनेट चलाते हैं. टू यूज DSL कनेक्शन यू नीड ए DSL मॉडेम एंड ए सब्सक्रिप्शन. लेकिन एक समस्या है. समस्या क्या है? तो इसके लिए आपको DSL मॉडेम लेना पड़ेगा और कनेक्शन लेना पड़ेगा. इसके लिए आपको अलग से चार्ज होगा. तो इसलिए बेहतर नहीं है ये, और हम इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अगर तार टूट गया कहीं या कट गया तो फिर चक्कर हो जाता है. तो इसलिए बेहतर है आप जो बताने वाले हैं सो, और बहुत कन्वीनियंट भी है. कौन? तो वायरलेस कनेक्शन. नाउअडेज मोस्टली वायरलेस कनेक्शन आ रही है, और ये हकीकत भी है. ज़्यादा ईजी है तो लोग इसी का यूज़ करते हैं. ठीक है, दो जो मेन रीजन, दो तरीका जो है मोस्ट कॉमन वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट वायरलेसली आर कौन कौन है. सबसे पहला हो गया वाईफाई. ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिएगा. और एक ठो आप लोगों ने सुना भी होगा बीच में लाईफाई. ठीक है, जापान में उसका ये किया गया था, ट्रायल किया गया था लाईफाई, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम था. तो अभी उस पर काम चल ही रहा है, लेकिन उसकी स्पीड इससे 100 गुना है. क्यों? क्योंकि लाईफाई, लाई का मतलब वहाँ पे फुल फॉर्म हुआ लाइट फिडेलिटी. ठीक है, तो लाइट का स्पीड तो आपको पता है, तो उसी के हिसाब से डेटा ट्रांसमिशन भी वो करता था. लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि उसके सामने अगर कोई चीज़ आ जाता था तो स्पीड बात ख़त्म हो जाता था, नेटवर्क ही टूट जाता था. और भी कई तरह की समस्याएं हैं जिस पर अभी काम चल रही है, छोड़िए वो सब बाद की बातें हैं. तो हम लोग देखते हैं, इट इज़ ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी डेट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर और मोबाइल फोन टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर ए नेटवर्क. ये क्या है? बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल फोन के द्वारा हम लोग डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं नेटवर्क पर. जैसे देखिए अभी हम वाईफाई से जोड़ के कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए, इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड इज वाइडली यूज्ड इन ऑफिस, होम्स, होटल्स, कंपनी, कॉलेज टू क्रिएट वायरलेस नेटवर्क. और इसका उपयोग जो है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑफिस में, घर में, होटल में, इस सब में किया जा रहा है. ठीक है, वाईफाई एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए? आपको एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो चाहिए होता है. ठीक है, अगर आप इंटरनेट कनेक्शन से सब्सक्राइब है, यानी आपका पैक रिचार्ज किया हुआ है, पैक मारा हुआ है, और आपके पास ISP है, तो आपको करना क्या है, वाईफाई राउटर खरीदना पड़ेगा एक ठो, जो कि डिवाइस होता है. वो क्या करेगा आपको? द वाईफाई राउटर कैन एक्ट एज बोथ एन इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस एंड एक्सेस पॉइंट फॉर वाईफाई कनेक्टिविटी. आपको वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए सर्विस देगा जिससे हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं. विंडोज 7 विल डिस्प्ले द आइकन ऑफ वाईफाई ऑन द टास्क बार. टास्क बार में देखिए विंडोज 7 नहीं है, विंडोज 10 है, और टास्क बार में आप वाईफाई का आइकन देख सकते हैं. ठीक है, ऑन योर मोबाइल फोन टू यूज वाईफाई. मोबाइल में भी जानते हो तो आप लोग यूज करते ही हैं. ठीक है, तो वाईफाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही सुविधाजनक है. जब वाईफाई वाला आइकन पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को क्या करता है, कनेक्शन का लिस्ट प्रोवाइड होता है. वहाँ पे जितना भी एक्टिव कनेक्शन है वो इस लिस्ट में दिखा देता है. ठीक है, तो आप उसमें से कोई जो आपका मेरा अपना है, पड़ोसी का नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. करने वाले तो पड़ोसी का भी करते हैं. जैसे ही हम कनेक्ट होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो सिग्नल है वो आ जाता है. ठीक है, चलिए करना है कि अगर आपके पास चाहिए. चलिए अब देखते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट. जनरली यूज करते हैं, मम्मी वाला से कनेक्ट कर लेते हैं अपने नेटवर्क, अपने लैपटॉप को, टैब को, या पापा वाला से कनेक्ट कर लेते हैं, और सबसे बढ़िया किससे? दादी से, क्योंकि दादी यूट्यूब के अलावा कोई देखती नहीं, दादी खुद चार्ज जाती है. क्या आप लोग की पता है, एक ऐसा स्थान होता है जो आपको वाईफाई एक्सेस देता है. ठीक है, यूजर्स क्या कर सकते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पोर्टेबल डिवाइस में, इंटरनेट की इंटरनेट यूज कर सकते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके. ठीक है, ये क्या होता है, तो फ्री और फ्री बेस्ड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है. आपके लिए तो फ्री है ना, जिसका हॉटस्पॉट ले रहे हैं उसको पैसा लग रहा है, आपको तो फ्री है, आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उस तरह से होता है.
हम लोग वाईफाई हॉटस्पॉट का यूज अपने मोबाइल फोन को में कर सकते हैं डेटा ट्रांसफर के लिए या इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, जैसे मोबाइल से अपने लैपटॉप को जोड़ सकते हैं। और थर्ड है वाईमैक्स। देखिए इम्पोर्टेंट है, वाईमैक्स क्या है? तो ये आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा वाईमैक्स। तो वाईमैक्स क्या है? वाईमैक्स का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी यानी वाई हो गया WI और मैक्स का हो गया माइक्रोवेव एक्सेस। ये क्या है? तो इट इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थ्रू ए वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। इट कैन प्रोवाइड वायरलेस एक्सेस कवरिंग मेनी किलोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग अपने छत पे लगा के रखते हैं, छोटा छोटा एकदम एंटीना होता है, यानी जो डिस्प्ले का साइज है इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो जो है हाथ के जिस तरह हम लोग दुआ के लिए हाथ मोड़ते हैं ना, इबादत के लिए, यस इबादत के लिए जो आठ हाथ हम लोग फोल्ड करते हैं, तो उस तरीके से हल्का फोल्डेड रहता है और छोटा छोटा एंटीना देखेंगे छत पे लगाया रहता है, वही है वाईमैक्स, जो कि कुछ किलोमीटर तक फैला रहता है और इसका स्पीड भी बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, तो इतना तक मैंने आपको बता दिया है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्विचिंग टेक्निक्स देखेंगे, ठीक है, उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी देखेंगे और टाइप ऑफ नेटवर्क देखेंगे। ठीक है, और फिर ये सेशन ख़त्म होगा। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको आप नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा है आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।